यमुनानगर के जगाधारी में शिक्षा विभाग में तैनात एडुसेव चौकीदार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और पार्ट टाइम सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर के निवास पर मंत्री को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा विभाग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राज्य प्रधान मुकेश ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हमने आज माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को हमारा ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी मांग है, मुख्य मांगे हैं हमारी, शिक्षा विभाग में लगे पार्ट टाइम सफाई कर्मचारियों को विभागीय नीति 11/11/2003 के तहत लाके इनको रेगुलर किया जाए, जो कि विभाग की पॉलिसी है। अप्लाईमेंट के थ्रू लगे उसको 3 साल होने चाहिए और वैसे किसी प्रपद से लग रहे हैं, पंचायत के माध्यम से या SMC कमेटी के माध्यम से या VCC कमेटी के माध्यम से, उसको 6 साल होने चाहिए और रेगुलर होने के पात्र बनते हैं। इसी में हमारी जो एजुसेट चौकीदार है, जो 18-20 वर्षों से हमारे स्कूलों में कार्य कर रहे हैं, इनके भी हम माननीय शिक्षा मंत्री जी को अवगत कराया हमने मांग में कि इनकी वरिष्ठता सूची बना के इनको भी विभाग की पॉलिसी 11/11/3 में लाकर इनको भी नियमित किया जाए। और इसी तरह हमारे मिड डे मील की बहनें लग रही है, कुक लग रही है स्कूलों में, इनके जो है 7,000 रुपये पर मंथ है, इनका भी समान काम समान वेतन व इनका न्यूनतम वेतन और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और इनको 10 मास की बजाय 12 महीनों का वेतन दिया जाए और इनको वर्दी भत्ता 2500 रुपये हर साल जो है दिया जाए। ये हमारी मुख्य मांगे थी। तो आज मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है, क्या मंत्री महोदय से प्रार्थना है, अपील है कि जो हमारी इन मांगों को, ये गरीब दलित समाज के जो लोग हैं, ये काफी साल 18 और 20 वर्षों से स्कूल में सफाई का कार्य भी कर रहे हैं और मिड डे मील की बहनें जो बच्चों के लिए खाना बनाती हैं और एजुसेट चौकीदार हमारे स्कूलों में जो रात का चौकीदार भी 24-24 घंटों की ड्यूटी देते हैं, इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री महोदय से और शिक्षा मंत्री महोदय से कि इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करवाने का काम करें ताकि हमारे बच्चों का पालन पोषण हम कर सकें। धन्यवाद। धरना जो हमारा जारी रहेगा, हमारी इन सभी मांगों को हमारे जो अगले मंगलवार को अगर पूरी हो जाती, नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो हम हमारा धरना समाप्त कर देंगे, अन्यथा हमारा यह धरना की कोई लिमिट सीमा नहीं, अनिश्चितकाल धरना चलता रहेगा और चाहे हमें एमएन अनशन पे बैठना पड़े हमारी प्रदेश कमेटी को, तो हम बैठने के लिए तैयार। बहरहाल राज्य प्रधान ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अगले मंगलवार तक हमारी अधिकारियों के साथ बैठक में मांगों के बारे में कोई समाधान नहीं निकलता तो हमारा धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन तक किया जा सकता है, जब तक कि हमारी मांगों का कोई समाधान नहीं होता। फिलहाल मंत्री ने आश्वासन मंगलवार को शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ कर्मचारियों की एक बैठक कराई जाएगी जिसमें उनके समस्याओं पर विचार किया जाएगा। सत्य खबर के लिए यमुनानगर से सुमित ओबेरॉय की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।